हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा और आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत इमोशनल होने वाली है, बिकॉज ये जो बेबी आप देख रहे हैं ये अब नहीं है। ये हमारे बीच आया, 2 दिन की खुशियां देके ये चला गया। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ और मैं क्यों करना चाह रही हूँ मैं ये भी आपसे बताना चाहती हूँ, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि जैसा इस केस में हुआ, जैसा इस बेबी के साथ हुआ, वो आप लोगों में से कभी किसी के साथ ना हो। क्योंकि बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब 9 मंथ्स कंप्लीट करके एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे और जस्ट 2 दिन बाद उसे वो खो दे, वो भी किसी लापरवाही की वजह से, नॉट नेचुरली। तो जस्ट ये एक अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत बहुत सोचने के बाद मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, टू बी फ्रेंक। इस बात को 40 दिन हो चुके हैं आज, मोर देन 40 डेज हो चुके हैं, एंड 40 दिन में मैंने 3 से 4 बार ये वीडियो बनाने का ट्राई किया बट मैं बना नहीं पाई। बट एट लास्ट मैंने अपने आप को समझाया कि एटलीस्ट जो हमारे साथ हुआ है, कल को भगवान ना करे किसी के साथ हो, उस पर्पस के लिए बनाना जरूरी है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3rd फरवरी मेरी सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर, छोटी बहन, और जिसको मॉर्निंग में पेन शुरू हुए 6 o'clock, वाटर ब्रेक हुआ था नेचुरली जैसे होता है, और 12 फरवरी की डेट थी, 3 फरवरी को वाटर ब्रेक हुआ, 6 o'clock वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। काफ़ी देर वेट किया कि सर्विक्स ओपन हो, पेन्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे थे, आ रहे थे बट इतने नहीं थे कि सर्विक्स ओपन हो और आगे का जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। करते करते 3 से 4 घंटे बीत गए, टाइम आ गया 10:30 बजे के करीब, 10:30, 11। डॉक्टर सजेस्टेड कि बेबी ने अंदर मेकोनियम खा लिया है, स्वेलो कर लिया है, जिसे आप, मैं सिंपल भाषा में बोलूँगी क्योंकि मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, जो सिंपली मुझे डॉक्टर ने समझाया या हमें बताया, जो मैंने गूगल के थ्रू पढ़ा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जनरली क्या होता है, बच्चे कई बार ऐसा होता है कि गंदा पानी अपने अंदर ले लेते हैं जो उनके एमनियोटिक फ्लूड में होता है, कई बार वो पूप कर देते हैं जो कि उसमें मिक्स हो जाती है ग्रीन, एंड वो पानी अंदर चला जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है, नहीं होना चाहिए बट होता है कई बार केसेस में। स्पेशली ये जब देखा जाता है जब लाइक आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ से ऊपर चले जाती है। तो ये तो लेकिन वैलेंटाइन था, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ बट ठीक है, हो गया। होने के बाद बेबी को NICU में रखा 24 घंटे के लिए, पिक्चर्स आप देख सकते हैं, पाइप ये लगाया हुआ था उसको, एंड वी ऑल वेरी वरिड अबाउट हिम। और स्पेशली मैं, जैसे ही मुझे कुछ भी चीज़ इस तरह का पता चलता है ना, मेरी एक आदत है, हमेशा से ये मेरी एक आदत है कि कुछ भी चीज़ जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है मैं उसकी पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करती हूँ, पूरे उसके बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ ये है क्या, क्यों हुआ और क्या इसका इलाज है, सब कुछ मेरी आदत है ये करना। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि उसने वो मेकोनियम अंदर ले लिया है, गंदा पानी ले लिया है, तो अब तुरंत मैंने उसको चेक किया कि लाइक कितना सीरियस है ये। हर जगह मुझे लगा कि हाँ सीरियस है बट ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, राइट। एक दिन बीत गया, आज सुबह 11 बजे बेबी हुआ ऑपरेशन से, नॉर्मल डिलीवरी से तो हुआ नहीं था, ऑपरेशन से हुआ था। उसके बाद भी मेकोनियम अंदर चला गया, 24 आवर्स के लिए NICU में रखा। उस दिन मैं मिलने नहीं जा पाई थी बिकॉज मैं मेरी मदर के साथ हॉस्पिटल में थी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सब कुछ मेस्ड अप हुआ पड़ा था एक्चुअली। तो मैं हॉस्पिटल में थी, न्यूज सुन के इतनी खुशी हुई कि आंसू ही नहीं रुके, 5 मिनट्स मैंने पहले रोया, उसके बाद दोबारा फोन किया, फिर मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। उसके बाद सब खुश थे घर पे, मैं बहुत 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 खुश थी कि ठीक हो जाएगा, मुझे पता था। नेक्स्ट डे वो ठीक हो गया, उसका ये पाइप भी हट गया था, उसके बाद ये वाली जो पिक है ये वो हटने के बाद नॉर्मल होने की है। तो हम लोग घर से निकल गए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, गुड़गांव में सिस्टर रहती है, हम लोग निकले हॉस्पिटल गए, बेबी को मिला, मेरा एक छोटा बेबी है 4 ईयर्स का, आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो सब लोगों ने उसको गोद में लिया, प्यार किया, इतना सुंदर बेबी था, इतना सुंदर, बहुत सुंदर, नजरें नहीं हट रही थी, इतना प्यारा बेबी था। उसके बाद मैं वापस अपने घर चली गई, गुड़गांव आ गई मैं। नेक्स्ट डे मुझे फिर अपनी मदर को लेकर हॉस्पिटल जाना था, मैं हॉस्पिटल गई। नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर की डिलीवरी, लाइक उसको डिस्चार्ज कर दिया, थर्ड डे उसको डिस्चार्ज मिल गया। घर आई, रात भर बेबी उनके पास था, टेक केयर किया, सब कुछ किया। फोर्थ डे पता लगा बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो दूध नहीं पी रहा है और एक्टिव भी नहीं है, तो कंसर्न होता ही है, पेरेंट्स तुरंत उसको सुबह सुबह लेके गए हॉस्पिटल। डॉक्टर ने चेक किया, बोला बेबी तो ठीक है, बेबी ठीक है,
However, baby was not well at that time, not at all well. नए पेरेंट्स को कई बार समझ में नहीं आता है कि उनके बेबी के साथ क्या हो रहा है। मैं एक चीज जरूर 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 शेयर करना चाहूंगी जो भी न्यू मॉम्स है, वैसे तो जनरली ये होता ही है, जब मैं भी नई नई मॉम बनी थी मेरा बेबी घर आया था, मैं हर एक घंटे में उसका चेक करती रहती थी वेदर ही इज फाइन और नॉट, बिकॉज ये लोग बहुत लंबा सोते हैं, 2 घंटे बाद डॉक्टर बोलते हैं उनको उठा उठा के दूध पिलाना है, और उस उठाने के लिए मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता था, उसके पैरों में गुदगुदी, उसको पूरा बॉडी में गुदगुदी, उसको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी तब वो उठते थे। तो कई बार डर भी लगता है कि कुछ हो तो नहीं गया बेबी को। तो आई यूज टू डू लाइक दिस, और मेरे ख्याल से हर मदर को ये करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, शुरू के 15-20 दिन बहुत जरूरी है। जो भी है उसके बाद डॉक्टर ने बोला घर जाओ, दवाई दे दिया। दवाई दे के मेरी सिस्टर घर आ गई, उसने मुझे वीडियो, मैंने पर्सनली जब मैं हॉस्पिटल में गई थी बेबी को ओपन आईज के साथ देखा नहीं था, तो मैंने कहा मुझे उसको खुली आंखों के साथ देखना है एक बार। तो उसने वीडियो कॉल किया, मैं हॉस्पिटल में ही थी, मैंने पिक किया, देखती ही मैंने उसको बोला ये बहुत डर लग रहा है, ये वाली पिक्चर थी, वो ये पिक्चर थी, और मैंने इस पिक्चर को देखते ही सिस्टर को बोला कि मुझे ये थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे ये वेल नहीं लग रहा, मेरे मुंह से सीधी ये बात निकली। शी सेड कि नहीं अब तो दूध पी लिया इसने, मैंने इसको अभी अपना दूध पिलाया, ब्रेस्ट फीड कराया है और दवाई भी ले ली है। ठीक है होगा, फिर ठीक होगा शायद, बोल रही है डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर थोड़े ना गलत बोलेगा है ना, अगर डॉक्टर ने घर भेजा तो ठीक ही होगा, इतने छोटे बेबी के साथ तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा कभी। शाम को 5-6 बजे मैं अपने घर पहुंची, हॉस्पिटल से एम्स में थी मैं, 5-6 बजे घर पहुंची, फोन आता है कि बेबी ब्रीद नहीं कर रहा है, सब लोग हॉस्पिटल लेके गए। सिस्टर ने रोते रोते फोन किया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम माइंड ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था कि क्या हो रहा है अचानक से, बिल्कुल ब्लैंक। तुरंत हम लोग निकले, मैं मेरे हस्बैंड उसके घर गए, तब तक बेबी जा चुका था, ही वाज नॉट। बेबी वाज नॉट, ही हैड गॉन बाय द टाइम वी अराइव। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, जब वो ठीक नहीं था डॉक्टर ने डिस्चार्ज क्यों दिया? डॉक्टर को डिस्चार्ज नहीं देना था ना, इफ ही इज नॉट वेल, लापरवाही, नेग्लिजेंस का केस सिंपली। और सबसे बड़ी बात, जब ये पता चली कि उसके लंग्स में पानी था, जब वो नहीं रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, चेक कराया, देन पता लगा कि उसके लंग्स में तो पानी था, पूरी तरह ठीक हुआ ही नहीं था, उसे बिना पूरी तरह ठीक हुए डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज दे दिया। जहाँ 1 दिन रखा वहाँ 2 दिन भी रख सकते थे डॉक्टर्स, बट आई थिंक फैसिलिटी नहीं थी, नर्सिंग होम था ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, आई थिंक कोई बड़ा हॉस्पिटल होता तो कुछ और होता। ऑपरेशन भी हो गया सिस्टर का, बेबी भी नहीं मिला। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कई बार पता है क्या होता है, कई बार होता क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं स्पेशली, लाइक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो हम लोग क्या होता है ना, कई बार जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट होना है या आपकी बीबी को हमें अभी और 5 दिन रखना है, तो हम लोग सोचते हैं कई बार वो पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं, बट हर बार ये सच नहीं होता है, नहीं होता है हर बार सच, वी शुड ट्रस्ट देम। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, इस केस में तो डॉक्टर्स ने बोला ही नहीं, और डॉक्टर्स के पास वो फैसिलिटीज थी नहीं NICU की, प्रॉपर केयर की जो होती है, नर्सिंग होम था। कभी भी अगर आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल चूज कर रहे हो, आई वुड से कि 4 पैसे फालतू दे दो, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल चूज करो जहाँ पे पीडियाट्रिशियन जरूर हो, बच्चों का सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल। फॉर एग्जांपल कई बार होता है नर्सिंग होम में कराते हैं, मदर के लिए तो सब कुछ फैसिलिटी होती है, ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी रूम, एवरीथिंग, बट आफ्टर बेबी केयर कई बार नहीं होती है। तो इतने छोटे नर्सिंग होम या इतने छोटे हॉस्पिटल्स में भी आपको नहीं कराना है, आपको हमेशा अपना हॉस्पिटल ऐसे चूज करना है कि अगर आपका बेबी डिलीवर हुआ, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, आपको उसको लेके किसी दूसरे हॉस्पिटल में ना भागना पड़े, क्योंकि वो टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे उस टाइम पे, राइट? तो आपको जो चाहिए सारी फैसिलिटी वो सेम है हॉस्पिटल में चाहिए। तो कभी भी अगर आप जा रहे हो, आप डिलीवरी के लिए बुकिंग कर रहे हो, तो प्लीज ये 2 बातें जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने भी अभी यही किया, मेरा भी टाइम आने वाला है, 2 मंथ्स बाद मेरे भी बेबी होने वाला है, मैंने जो हॉस्पिटल चूज किया वहाँ दोनों चीजें फैसिलिटी है, आई नो कॉस्टली है, बट किसी की जान से बढ़ के तो कॉस्ट को बचा के करेंगी भी क्या, जब बेबी नहीं रहेगा तो, राइट? तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए थी कि
थोड़ा डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करो और इस तरह की लापरवाही अपने केस में कभी मत होने देना कि बेबी ठीक ही नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने घर भेज दिया, दोबारा गए तो भी नहीं बोला कि लाइक ठीक से किया नहीं चेकअप कि इतना प्रॉब्लम में है वो बेबी। शायद इससे ज़्यादा मैं बना नहीं पाऊंगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये चैनल मैंने न्यू स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए वीडियोस डाल रही हूँ, साथ साथ मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी सो दैट किसी को कुछ हेल्प मिल जाए। कभी एक होता है ना, दूसरे को देख के हम लोग कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जो ये पर्सन डाइट में प्रेगनेंसी में ये इंक्लूड कर रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं, वो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। इसलिए मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई मीन माई 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स पूरे बाकी हैं, अभी 7 मंथ स्टार्ट ही हुआ है, 5 to 6 days ही हुए हैं, तो पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और लास्ट तक जब तक बेबी मेरे हाथों में ना आ जाए। तो अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर माय वीडियोस। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बाकी को कीजिए नहीं कीजिए डजेंट मैटर, एटलीस्ट लोगों को हेल्प हो, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।